संजीव हमेशा खुशी रहता है, रहना भी चाहिए, लेकिन वक्त कहां ऐसे होने देता है। कोविड में पिता गुजर गए और शुरू हुआ मुसीबत का चक्कर। संजीव को पता चला कि पिता न केवल इनकम टैक्स की देनदारी छोड़ गए हैं, बल्कि होम लोन की किश्तें भी चुकानी है। यानी केवल संपत्ति नहीं, बकायेदारी भी मिली है विरासत में संजीव को। संजीव के लिए ये सब कुछ नया और परेशान करने वाला था। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि कानूनी उत्तराधिकारी को संपत्तियों के साथ देनदारियों को संभालना होता है, उसे कानूनन वो कर्ज चुकाने होते हैं जो उसे विरासत में मिले हैं। बहुत से लोग विरासत के कर्ज वाले झंझट से वाकिफ नहीं है, इसे समझना जरूरी है। संपत्ति के बदले कर्ज। संजीव के पिता की मौत के बाद होम लोन की किश्त जाना बंद हो गई। बैंक ने संजीव से संपर्क किया। बैंक ने पूछा कि क्या वो कर्ज को उसके नाम हस्तांतरित कर दें। यदि संजीव अकेला कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तो ये कर्ज सभी उत्तराधिकारियों के नाम होगा। तो संजीव क्या करें? उसे बैंक से बात करनी चाहिए। यदि उसके पास व्यवस्था नहीं है तो उसे लोन चुकाने में मोहलत मांगनी चाहिए। बैंक संजीव को कर्ज चुकाने पर बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन संपत्ति बेचकर कर्ज वसूल करने का कानूनी अधिकार उनके पास है। ऐसे मामलों में बैंक इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अनसिक्योर्ड यानी किसी संपत्ति के बिना लिया गया कर्ज। पर्सनल लोन व क्रेडिट कार्ड आदि के कर्ज इस श्रेणी में आते हैं। कर्ज लेने वाले की मौत के बाद बैंक इसकी वसूली कानूनी उत्तराधिकारी से ही करते हैं। क्या किया जाना चाहिए? बैंक से बात करने में देरी ना करें, क्योंकि बकाया पर ब्याज बढ़ता जाता है और पेनल्टी भी लगती है। बैंक बकाए को सभी उत्तराधिकारियों के नाम डाल सकते हैं या बकाए की वसूली के लिए अदालत भी जा सकते हैं। यदि बैंक से बात की जाए तो अगर कोई कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो उसके ब्याज पर रियायत मिल सकती है। इनकम टैक्स की देनदारी। इनकम टैक्स के खंड 159 के तहत मौत के बाद कानूनी उत्तराधिकारी को टैक्स बकाए चुकाने होते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये बकाया कानूनी उत्तराधिकारी को अपनी जेब से नहीं चुकाना होता। वो टैक्स तभी चुकाने को बाध्य होगा जब उसे मृत व्यक्ति से संपत्ति मिली हो। मनी नाइन की सलाह है कि वसीयत में संपत्तियों के साथ देनदारियों की भी विस्तृत सूची बनाएं। उत्तराधिकारियों को कर्ज व टैक्स के मामले में अपने कानूनी और वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करनी चाहिए। और मनी ज्ञान में आगे जानिए एक पंजीकृत वसीयत के क्या होते हैं फायदे। इस तरह के काम की वीडियो के लिए मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।